हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल बीइंग। सो वेलकम बैक इन आवर चैनल। माय सेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी डिटेल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर व्हिच कंटेन इन दिस यूनिट। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बॉक्स सेक्शन ऑफ माय चैनल। सो प्लीज गो थ्रू अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep supporting. Hello friends, welcome back in another new and interesting video. So now we discuss about deficiency symptoms of essential element. यानी essential element के deficiency symptoms के बारे में हम discuss करेंगे। Essential element क्या होते हैं और deficiency क्या होती है, symptoms क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग को पता है, है ना। deficiency का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, है ना। और symptoms का मतलब होता है लक्षण, क्या होता है लक्षण, यानी ये कमी हो गई किसी चीज़ की कमी, यानी इसेंशियल एलिमेंट की कमी होने से जो सिम्टम दिखे उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है। सो व्हेन एवर, जब कभी द सप्लाई ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड, जब कभी क्या होता है इसेंशियल एलिमेंट की जो सप्लाई होती है उसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, तो उसमें क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी वो रिटार्डेड का मतलब हो गया रुक जाती है, क्या हो जाता है, रुकना। रिटार्डेड का मतलब होता है रुकना। ठीक है, जब हम इसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई क्या करेंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो प्लांट की ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्ड इज टर्म एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो होता है जो वो कंसंट्रेशन जिससे एलिमेंट की मतलब प्लांट की ग्रोथ हो रिटार्ड हो जाए, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्ड, उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन की मतलब जिससे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट इज सेट टू बी डिफिशियंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना। अब इसमें मतलब क्या हुआ, यही हमको बताया गया कि जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफिशियंट एलिमेंट बोलेंगे, है ना। जब वो अपने बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिफिशियंट एलिमेंट बोलेंगे। आगे क्या बताया गया है, सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल इन प्लांट, है ना। प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होता है, प्रत्येक एसेंशियल एलिमेंट जो होता है उसके पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल होते हैं किसमें, प्लांट की एक्टिविटी में। ठीक है, आगे क्या है, इन अब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अब्सेंस हो गया तो क्या करेगा, प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो प्लांट के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस दिखने लगेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंजेस, यानी उसके बाहरी 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 रूप में, है ना, बाहरी रूप रंग में, बाहरी रूप में, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो मॉर्फोलॉजी होगी उस पर चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, यानी प्लांट के चेहरे पे चेंजेस आने लगेंगे, सीधा सा मतलब है, शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी बेचारे की। ठीक है, आगे क्या है, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेट ऑफ सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसी एंड कॉल्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, है ना। और ये जो मॉर्फोलॉजी होगी उसकी प्लांट की शक्ल से पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट की कमी है, यानी वो प्लांट की शक्ल बता देगी कि इसमें एलिमेंट की कमी हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। आगे क्या है, डिफिशियंसी सिंड्रोम बैरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, जो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं वो बैरी कर सकते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, है ना, यानी हर एलिमेंट का अलग अलग डिफिशियंसी सिंड्रोम हो सकता है, है ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स हो सकता है। एंड दे डिसअपीयर व्हेन डिफिशियंसी मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइड टू प्लांट, और उसके बाद क्या होता है, ये जो सिम्टम्स होगा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कौन सा, डिफिशियंसी सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएगा जब क्या कर देंगे हम लोग, वो न्यूट्रिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट को प्लांट को प्रोवाइड करा देंगे, है ना, वो मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को दे देंगे जिसकी कमी है, तो वो डिफिशियंसी सिम्टम खत्म हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है, हाउएवर इफ डिप्रेशन कंटिन्यूअस, है ना, अगर वो लगातार क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कमी ना, डिप्रीवेशन का मतलब होता है कमी, अगर उस चीज़ की बराबर लगातार कमी हो रही तो क्या होगा, मे इवेंचुअली लीड टू डेथ, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लांट की
डेथ हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा, है ना। किसी चीज़ इसेंशियल एलिमेंट की लगातार कमी हो रही है तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, जाहिर सी बात है यार, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट डेट्स और डिफिशेंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन ए प्लांट, है ना। जो प्लांट का पार्ट डिफिशेंसी सिम्टम्स शो कर रहा है ना, वो डिपेंड करता है इसमें मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट की। प्लांट में जो एलिमेंट पाया जा रहा है जिसकी कमी है वो क्या है, मोबाइल है या इमोबाइल है, है ना। मोबाइल होगा तो वो ओल्डर लीफ से, ओल्डर पार्ट से ओल्ड टू यंग की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो इमोबाइल होगा वही ओल्ड पे ही एक्यूमुलेट रहेगा, ठीक है। क्या है यही है, फॉर एलिमेंट डेट आर एक्टिवली मोबिलाइज, वो एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं विद इन द प्लांट, है ना, जो प्लांट में एक्टिवली मोबिलाइज होंगे तो वो क्या होते हैं, एक्सपोर्ट टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, वो कहाँ पे, यंग डेवलपिंग टिश्यू में भेज दिए जाते हैं, कौन से, एक्टिवली मोबिलाइज, है ना। एक्टिवली मोबिलाइज होंगे कौन, होंगे मोबिलाइज, है ना, जो मोबाइल एलिमेंट होंगे वो कहाँ पे भेज दिए जाएंगे, एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे कहाँ पे, यंग डेवलपिंग टिश्यू में, ठीक है। आगे क्या है, द डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यू, है ना। तो ऐसे जो एक्टिवली मोबिलाइज टिश्यू होंगे, वो एलिमेंट होंगे, तो उनकी जो डिफिशियंसी कहाँ पे दिखेगी, फर्स्ट दिखेगी हमको ओल्डर टिश्यू पे, क्योंकि ओल्ड टिश्यू से ओल्ड पार्ट से कहाँ पे भेज दिए जाएंगे, यंग टिश्यू पे भेज दिए जाएंगे जो एक्टिवली मोबिलाइज एलिमेंट होंगे, है ना। तो यहाँ से ओल्ड पार्ट से चले जाएंगे तो कहाँ पे, यंग में जाएंगे तो ओल्ड में उनकी कमी हो जाएगी। तो यही बताया गया है, इनकी जो डिफरेंसी सिम्टम्स होंगे वो दिखेंगे कहाँ पे हमको, ओल्डर टिश्यू पे जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, द डिफरेंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का डिफरेंसी सिम्टम, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का कहाँ पे दिखता है, फर्स्ट दिखता है हमको सेनेसेंस लीफ का मतलब होता है ओल्ड, है ना। ओल्ड यानी ये क्या है, एक्टिवली मोबिलाइज हैं, यानी नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम के हैं, एक्टिवली मोबिलाइज हैं, ये ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ओल्ड पार्ट में क्या हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी, तो फर्स्ट इसमें डिफिशियंसी सिंड्रोम सिम्टम दिखेंगे कहाँ पे दिखेंगे, वो यंग सॉरी सेनेसेंस लीफ में दिखेंगे इसके डिफिशियंसी सिम्टम, इस बात को याद रखेंगे। इन द ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल टू मोबिलाइज इन यंग लीफ, है ना। अब ये क्या होते हैं, एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, ओल्डर लीफ में क्या करते हैं, बायो मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेनिंग करते हैं दीज एलिमेंट को, ब्रेक डाउन करते हैं उनका, और क्या करते हैं, मेकिंग इन एलिमेंट को अवेलेबल करते हैं, किसके लिए, मोबाइल करने के लिए अवेल करते हैं यंग लीफ में, कि यंग लीफ में ये लोग मोबाइल होकर चले जाएँ, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, द डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू whenever the element are relatively immobilized or not transported out mature organ, for example element like sulfur and calcium, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो deficiency symptoms होंगे, है ना, वो अगर जो first young tissue में deficiency symptoms दिख रहे हैं तो कैसे element होंगे, जो क्या है, relatively immobilized हैं, है ना। जो इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ पे सबसे पहले देखेगा, वो यंग टिश्यू में देखेगा, क्योंकि ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में चीज़ें नहीं आ पाएंगी तो यंग पार्ट में उनकी कमी हो जाएगी, समझ गए होंगे आप, है ना। इनका मतलब यही बताया गया, इमोबाइल एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम मैच्योर ऑर्गन, और मैच्योर ऑर्गन से वो ट्रांसपोर्टेड नहीं किए जाते हैं, यानी मैच्योर ऑर्गन से यंग में नहीं भेजे जाते हैं, तो क्या है, इनकी कमी हो जाएगी यंग में। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया हमको, इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, सल्फर होता है, और क्या होता है, सल्फर और कैल्शियम जो होते हैं ये क्या हैं, इमोबाइल हैं, यानी इनकी जो कमी दिखेगी सबसे पहले कहाँ पे दिखेगी, यंग पे दिखेगी, ठीक है। आगे क्या है, कैल्शियम एंड सल्फर आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल, है ना, ये इमोबाइल हैं, तो मतलब ये क्यों मोबाइल नहीं है, उसका मतलब रीजन क्या है कि सल्फर और कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं सेल के, है ना, स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं सेल के, और इसी वजह से क्या होते हैं, ये इजीली आसानी से रिलीज नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या है, ये मोबाइल हैं, ठीक है। दिस एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, क्या होता है इसका मतलब, पहलू ना, दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंट एंड
इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इस बेसिस पे क्या है मिनरल न्यूट्रिशन को जो है प्लांट में क्या है, इस बेसिस पे मिनरल न्यूट्रिशन की जो है ग्रेट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है किसमें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ग्रेट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स है ना, द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स साउन इन प्लांट इंडिकेट क्लोरोसिस है ना, किस किस टाइप के डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट में देखने को मिलते हैं, तो वो क्या बताया गया, वो कौन कौन से हैं, क्या है क्लोरोसिस, क्या है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस है और क्या है नेक्रोसिस है, क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, स्टंट प्लांट ग्रोथ यानी प्लांट की ग्रोथ रुक जाना, यानी इसको बोलते हैं रिटार्ड है ना, रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, रिटार्ड प्लांट ग्रोथ है ना, और क्या बोले प्रीमैच्योर फॉल, क्या बोले प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ, यानी लीफ का समय आने से, मतलब जब एक मैच्योरिटी के में लीफ गिरती है, मैच्योर होने पे लीफ गिरती है, तो मतलब मैच्योर ना हो पाए उसके पहले गिर जाए, इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर है, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ। आगे क्या है एंड बड्स, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स, और क्या दिया गया है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इनहिबिट होगा, और क्या होगा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन इनहिबिट होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एलोइंग इन लेप है ना, यानी क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा क्लोरोसिस में और पत्तियां कैसी हो जाएंगी पीली हो जाएंगी, और ये क्लोरोसिस कौन कॉज करता है, दिस सिम्टम कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से क्लोरोसिस होता है, तो हमको क्या बताया गया है नाइट्रोजन बताया गया है, पोटेशियम बताया गया है, मैग्नीशियम बताया गया है, सल्फर बताया गया, यफी है और क्या है यमेन है और क्या है जिंक है और क्या है मोलिब्डेनम है, ये जो हैं सारे के सारे एलिमेंट ये क्या कॉज कराते हैं क्लोरोसिस कॉज करवाते हैं, क्लोरोसिस कॉज करवाते हैं, ये बात को याद रखेंगे कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आते हैं यहीं से, क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, और क्या हो गया जिंक हो गया, और क्या हो गया मोलिब्डेनम हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है क्लोरोसिस होता है। आगे क्या है लाइकवाइज नेक्रोसिस, अब नेक्रोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस तो देख लिया हम लोगों ने, इसी तरह नेक्रोसिस क्या होता है डेथ ऑफ टिश्यू है ना, इसमें क्या हो टिश्यू की डेथ हो जाए, इसको क्या बोलते हैं नेक्रोसिस बोलते हैं है ना, पार्टिकुलरली इसमें कौन से किस टिश्यू की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ है ना, इसमें क्या होगा नेक्रोसिस में किसकी किसकी कमी हो जाएगी, कॉपर की, कॉपर की हो जाएगी, मैग्नीशियम की हो जाएगी, कैल्शियम की हो जाएगी और पोटेशियम की हो जाएगी, किसकी किसकी कॉपर की हो जाएगी, मैग्नीशियम की हो जाएगी और कैल्शियम की हो जाएगी और क्या पोटेशियम की हो जाएगी, यानी चार चीज़ों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ, डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली हम लीफ टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और या फिर कमी हो जाए है ना, इनकी डिफिशियंसी हो जाए या फिर कमी हो जाए और या फिर लो लेवल हो जाए किसका किसका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर और मोलिब्डेनम है ना, और इसमें क्या है ये हमको इसमें बताया कि अगर इन चीज़ की देखो नेक्रोसिस तो कॉज कर रहे थे है ना, नेक्रोसिस कौन कौन से कॉज कर रहे हैं, नेक्रोसिस कौन कौन से कॉज कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम। ठीक है, ये बात खत्म हो गई कि नेक्रोसिस ये कॉज करते हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मॉलिब्डेनम ये क्या कॉज करते हैं, ये क्या करते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, क्या करेंगे सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, या तो इनकी इनकी कमी हो जाए या इनका लो लेवल हो जाए तो सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे, कौन कौन से नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर और मॉलिब्डेनम, इस बात को याद रखेंगे सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं है ना। समटाइम सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम है ना, जो नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम होते हैं ये क्या करते हैं डिले फ्लोरिंग है ना, क्या करते हैं फ्लोरिंग को डिले करते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन सल्फर और मॉलिब्डेनम ये क्या करते हैं फ्लोरिंग को डिले करते हैं, इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट लो, अगर इनकी कंसंट्रेशन प्लांट में लो होगी तो ये क्या करेंगे फ्लोरिंग को डिले कर देंगे, फ्लोरिंग लेट आएगी। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर और मॉलिब्डेनम। आगे क्या है यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट इज डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स एंड डेट सेम सिम्टम्स मे बी कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ वन सेवरल डिफरेंट एलिमेंट है ना। अब इसमें क्या बताया गया कि आपने ये देखा है कि एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स कॉज कर सकता है, एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स कॉज कर सकता है, वही सेम सिम्टम दूसरा एलिमेंट भी कॉज कर सकता है। ठीक है, हेंस टू आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी एलिमेंट, इस वजह से डिफिशियंसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वन हैज टू स्टडी ऑल सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट
ऑल वेरियस प्लांट, है ना। तो हमको सारे के सारे डिफिशेंसी एलिमेंट के सिम्टम को याद करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे प्लांट पार्ट्स के बारे में उनके कंपेयर करना होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट की डिफिशेंसी हो रही है, ठीक है। वी मस्ट आल्सो अवेयर डेट डिफिशेंसी डिफरेंट प्लांट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसी एंड डिफिशेंसी ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना। हमको ये पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो उनकी कमी सेम एलिमेंट की वजह से हो सकती है, है ना, उनकी डिफिशेंसी सेम एलिमेंट की वजह से हो सकती है। अब आगे हमको क्या बताया गया इसमें, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है कि उनकी टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ऑलवेज इन लो अमाउंट, है ना। अब ये हमको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी अमाउंट लो अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। आगे क्या है, व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज, अगर लो अमाउंट में ज़रूरत होती है, अगर इनका मॉडरेट डिक्रीज हो गया, अगर थोड़ा भी डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, इनमें कॉज हो जाएगी डिफिशेंसी सिम्टम्स, है ना। अगर मॉडरेट डिक्रीज हो गया तो इनमें डिफिशेंसी सिम्टम्स कॉज हो जाएगा, अगर मॉडरेट इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बड़ा ख़तरनाक सिस्टम है यार यहाँ पे, है ना। अगर इनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं तो हमेशा लो अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, अगर इनका थोड़ा सा भी बढ़ गया या घट गया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर थोड़ा सा मॉडरेट डिक्रीज हो गया तो डिफिशियंसी हो जाएगी, और मॉडरेट इंक्रीज हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इन अदर वर्ड देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट आर ऑप्टिमम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, नैरो रेंज की कंसंट्रेशन होती है जो एलिमेंट ऑप्टिमम होती है, ऑप्टिमम के लिए नैरो रेंज कंसंट्रेशन होती है। आगे क्या है, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू डेट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाई 10% कंसाइडर टॉक्सिक। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया गया, क्राइटेरिया क्या बताया गया, मिनरल किसी भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन अगर किसी प्लांट का, है ना, कि रिड्यूस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू का ड्राई वेट रिड्यूस कर रही है कितने परसेंटेज, 10%, है ना, किसी टिश्यू का ड्राई वेट 10% रिड्यूस कर रही है तो उसको क्या हम लोग कंसिडर करते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, वो टॉक्सिक होगा। आगे क्या है, सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली एमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है ये वेरी वाइडली क्या करती है, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। द टॉक्सिक सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, इनको हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसको, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को, ठीक है। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट, है ना, ये टॉक्सिसिटी जो लेवल होता है ये भी वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में, है ना, अलग अलग प्लांट में इसका अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल हो सकता है। क्या है, मेनी ए टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ द एलिमेंट, है ना, कभी कभी टाइम बहुत समय बहुत बहुत टाइम क्या हो जाता है कि अगर किसी चीज़ की किसी एलिमेंट का हम एक्सेस में दे देंगे, है ना, किसी एलिमेंट की हम प्लांट को एक्सेस में सप्लाई कर देंगे दे देंगे तो क्या करेगा, वो दूसरे का अपटेक इनहिबिट कर देगा भाई, है ना, किसी एक की अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो क्या दूसरे का अपटेक यानी प्लांट दूसरे को फिर ले नहीं पाएगा, है ना, दूसरे एलिमेंट को ले नहीं पाएगा, तो इनबीट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को इनबीट कर देगा उसका अपटेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या बताया गया है, द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज, है ना, इसका बताया प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है, इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग माइक्रोटिबिन, है ना, जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है क्या अपीयर करता है, ये ब्राउन स्पॉट बनाता है कहाँ पे, क्लोरोटिक बेन के, है ना, चारों तरफ क्लोरोटिक बेन की तरफ कैसा स्पॉट बनाएगा, ब्राउन स्पॉट, याद रखेंगे कैसा स्पॉट होगा, ब्राउन स्पॉट अराउंड द सराउंडिंग द क्लोरोटिक बेन, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, ये महत्वपूर्ण है जानने के लिए क्या, कि मैग्नीज जो होता है वो क्या करता है, कंपटीशन करता है, किससे कंपटीट करता है, मैग्नीज कंपटीट विथ आयरन, मैग्नीज किससे किससे कंपटीट करेगा, यानी यमन जो होगा किससे किससे करेगा, आयरन से और मैग्नीशियम से कंपटीट करता है, मैग्नीज जो होगा आयरन और मैग्नीशियम से कंपटीट करेगा, फॉर किसके लिए, अपटेक एंड बिट मैग्नीशियम, ये उसके अपटेक के लिए, है ना, आयरन और मैग्नीशियम के फॉर अपटेक के लिए, किसके, बाइंडिंग विद एंजाइम, है ना, अपटेक एंड बिट
बाइंडिंग फॉर मैग्नीशियम, बाइंडिंग फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, है ना, मैग्नीशियम से बाइंडिंग के लिए, मतलब एंजाइम से बाइंडिंग के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग, बात को याद रखेंगे कि जो मैग्नीज होता है वो आयरन और मैग्नीशियम से कंप्लीट करता है फॉर अपटेक एंड मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, ठीक है। मैग्नीज आल्सो इन बीट, मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज आल्सो इन बीट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स, मैग्नीज जो करता है वो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन सूट अपेक्स में ये भी इनबीट करता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि क्या करता है, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इनबीट करता है, इनबीट कर देगा, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इनबीट कर देगा सूट अपेक्स में, ठीक है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज, इस वजह से अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई, एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट रिड्यूस डिफिशेंसी ऑफ आयरन, डिफिशेंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना। अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई, मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएंगे, डिफिशेंसी सिंड्रोम किसके किसके दिखने लगेंगे, आयरन के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, किसके किसके, आयरन के, मैग्नीशियम के और किसके, कैल्शियम के। अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हुई तो भाई तीनों का खेल ख़राब कर देगा ये, ठीक है, बहुत खतरनाक आइटम है ये। आगे क्या दिया गया है, दस व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी डिफिशेंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज का डिफिशेंसी सिम्टम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक्चुअली में एक्चुअली डिफिशेंसी सिम्टम किसके किसके हो जाएंगे, आयरन के हो जाएंगे, मैग्नीशियम के हो जाएंगे, कैल्शियम के हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि मैग्नीज का जो डिफिशेंसी सिम्टम्स होगा तो उसकी वजह से तीन चीज़ों के डिफिशेंसी सिम्टम्स दिखेंगे, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के, है ना। कैन दिस नॉलेज बी सम इम्पॉर्टेंस टू फार्मर, ये क्या, ये जो है नॉलेज फार्मर को होना जरूरी है, तो हाँ फार्मर को होना जरूरी है, गार्डनर को होना जरूरी है जो बगीचे में काम करते हैं, और इवन फॉर यू योर किचन गार्डन, है ना, या चाहे आपका घर का बगीचा हो, यानी घर में जो आप बगीचा बनाए हैं, छोटा सा गार्डन बनाए हैं, आप वो करते हैं, तो सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया हमको, आगे क्या बताया गया, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये बताया गया है। देख लेते हैं क्या लिखा गया है, मच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट बाई प्लांट हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल टिश्यू और ऑर्गन, है ना। इसमें क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, प्लांट एलिमेंट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए, है ना, उसको समझने के लिए क्या है, आइसोलेटेड सेल और टिश्यू ऑर्गन के बारे में समझना जरूरी है ना। प्लांट के टिश्यू ऑर्गन ये कैरी आउट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, चीज़ों का। आगे क्या है, दीज स्टडी रिवेल डेट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इन टू टू मेन फेसेस, है ना। इस वजह से क्या है, ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इसमें कैसे दो फेस होते हैं, दो फेस कौन कौन से होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। एपोप्लास्ट क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है, एपोप्लास्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, इंट्रासेलुलर की चीज़ें यहाँ से जाती हैं, और जो सिम्प्लास्ट होता है वो लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो वो होता है सिम्प्लास्ट। तो यही बताया गया है, एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इनटू टू फेसेस, फर्स्ट फेस जो होता है एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन, है ना। इनिशियल क्या होता है, ये रैपिड अपटेक ऑफ आयन, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस से चीज़ें जाती हैं, से इंटरसेलुलर स्पेस से चीज़ें जाएंगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट बोलेंगे। एपोप्लास्ट जो होता है कैसा होता है, पैसिव होता है, एपोप्लास्ट पैसिव होता है, फास्ट होता है, और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, फास्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और सेकंड क्या है, द सेकंड फेज ऑफ अपटेक का सेकंड फेज क्या है, द आयन आर टेकन इन स्लोली, जो आयन होते हैं, सिम्प्लास्ट होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, सिम में यस आया, और ये क्या होगा, स्लो होगा। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें इंटर स्पेस होंगे, जो कि सिम्प्लास्ट सेल में इंटर स्पेस होंगे, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है, इस वजह से स्लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस आते हैं, बैरियर्स आते हैं, इस वजह से ये स्लो हो जाता है।
ठीक है, हिपोप्लास्ट हो गया, सेकंड क्या है, द आयन आर टेकन स्लो इन टू द इनर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, सिम्प्लास्ट ऑफ सेल बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन टू एपोप्लास्ट अकर्स यूजली आयन चैनल, जो पैसिव मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट के थ्रू आयन्स का, वो कैसे होता है, आयन चैनल के थ्रू होता है, आयन चैनल के थ्रू होता है, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन टू एपोप्लास्ट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं डेड फंक्शन सेलेक्टिव पोर्स, है ना, जिनका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, वो सिलेक्टिव पोर बनाती हैं, है ना, सिलेक्टिव पोर फंक्शन है, सिलेक्टिव पोर के तरीके काम करती हैं। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, और जो सिम्प्लास्ट में होगा वो कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, अगर यहाँ से चीज़ें आएंगी जाएंगी तो उसके लिए क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी एटीपी लगाना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें सिम्प्लास्टिक में होती हैं जाएंगी, ठीक है। आगे क्या है, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, जो सिम्प्लास्टिक होता है कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे एनर्जी का खर्च करना पड़ता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजली कॉल्ड फ्लक्स, मूवमेंट ऑफ आयन को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स में दो चीज़ें आ गई, ई फ्लक्स और इनफ्लक्स। अगर चीज़ें बाहर जा रही हैं, चीज़ें बाहर जा रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स बोलेंगे, अगर चीज़ें अंदर आ रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलेंगे। ई मतलब एग्जिट और इन का मतलब अंदर, तो यानी ई फ्लक्स का मतलब बाहर और इन का फ्लक्स का मतलब अंदर, ठीक है। द इनवर्ड मूवमेंट इन टू द सेल इज ई फ्लक्स, यहाँ पर बताया गया अंदर मूवमेंट होगा सेल में तो उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स बोलेंगे, और आउटवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। यू हैव रीड द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन चैप्टर 11, आपने मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन चैप्टर में 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन आगे क्या हमको बताया गया है, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ना, अब सोल्यूट क्या है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो मिनरल साल्ट क्या होते हैं, मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम, हाँ, जो मिनरल साल्ट होते हैं वो कहाँ से, जाइलम के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेटेड होते हैं मिनरल साल्ट, अलॉन्ग विद एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, एसेंडिंग स्ट्रीम का मतलब, एसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर, नो, जो जाइलम का काम होता है रूट से चीज़ों को कहाँ ले जाएगा, रूट से पानी मिनरल को ले जाएगा कहाँ पे, स्टेम में, है ना, रूट से स्टेम में ले जाएगा, लीव में पहुँचाएगा, हर जगह ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है। मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेट थ्रू जाइलम अलॉन्ग विद एसेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, विच इज पुल्ड अप, है ना, जो क्या होता है, पुल्ड होता है, खींचा जाता है, जाइलम के द्वारा खींचा जाता है थ्रू द प्लांट बाई ट्रांसपिरेशनल पुल, है ना, जो जो चीज़ें हैं ये प्लांट के द्वारा खींची जाएंगी, है ना, बाई, इसको क्या बोलें, ट्रांसपिरेशनल पुल बोल दें, इसमें कौन सा, जाइलम, इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, अगर हम जाइलम सैप की एनालिसिस करें तो हम क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ द मिनरल साल्ट, तो उसमें क्या देखेंगे, मिनरल साल्ट देखेंगे, ठीक है, मिनरल साल्ट देखेंगे, जो कि यूज होते हैं कहाँ पे, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट आर सस्टिनेटेड टू व्यू डेट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, है ना, ये रेडियो एक्टिव मिनरल जो होते हैं इसका यूज करते हैं, इससे फिर पता चलता है कि जो जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, मेनली होगा तो H2O करेगा, मिनरल करेगा, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन वगैरह और हार्मोन्स वगैरह ये ट्रांसलोकेट करता है, बट मेनली क्या होता है, मिनरल और वाटर, ठीक है। आगे हमको ये बताया गया, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। आगे क्या बताया गया, सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जो सॉइल होती है वो रिजर्वायर होती है एसेंशियल एलिमेंट की, है ना, इसमें सॉइल में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे, ये इकट्ठे होंगे, ठीक है। आगे क्या बताया है, इसमें क्या बताया गया हमको, मेजॉरिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट होते हैं क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट डेट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकम अवेलेबल टू रूट ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं,
है ना, अवेलेबल टू रूट, वो रूट को कहाँ से मिलते हैं, ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस है ना, वेदरिंग प्रोसेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, या ब्रेकडाउन ऑफ रॉक और वेदरिंग प्रोसेस होगा तो हमको एसेंशियल एलिमेंट होंगे वो मिलेंगे, प्लांट को मिलेंगे, प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी जो कि जरूरत होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आप समझ गए होंगे। आगे क्या है, दीज प्रोसेस इनरिच द सॉइल विच डिजॉल्व इन आयन इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और ये जो होते हैं सॉइल में डिजॉल्व होते हैं, ये सॉइल में डिजॉल्व होते हैं इनऑर्गेनिक आयन डिजॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। क्या है, सिंस दे आर ड्राइवन फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिएंट टू रिफर एज ए मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, मिनरल रॉक से, कहाँ से, रॉक मिनरल, दे सिंस ड्राइवन फ्रॉम रॉक मिनरल्स, और देयर रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में क्या इनका रोल होता है, रिफर एज मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये मिनरल न्यूट्रिशन से प्लांट में इनका क्या रोल होगा, मिनरल न्यूट्रिशन का काम करेंगे। ये कहाँ से, रॉक से लिए जाते हैं और प्लांट में न्यूट्रिशन के तरीके काम करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन बोलेंगे। आगे क्या बताया गया है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंट, जो सॉइल होती है वो वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंट को कंसिस्ट करती है, है ना, उसमें क्या होते हैं, सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स, सॉइल सिर्फ मिनरल को सप्लाई नहीं करती है, सॉइल नॉट सप्लाई ओनली मिनरल्स, है ना, सॉइल सिर्फ मिनरल को सप्लाई नहीं करती है, बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बट इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अदर माइक्रोब्स होते हैं, है ना, और सॉइल क्या करती है, होल्ड वाटर, सॉइल क्या करेगी, पानी को पकड़ के रखेगी, होल्ड वाटर, और क्या करेगी, सप्लाई एयर टू रूट, और रूट को क्या करेगी, एयर सप्लाई करेगी, और क्या करेगी, एक्ट एज ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की तरीके एक्ट करेगी जहाँ पे प्लांट की रूट उसमें स्टेबलाइज हो जाए, है ना, डेड स्टेबलाइज और प्लांट, यानी जिसमें प्लांट स्टेबलाइज हो जाए। सॉइल के बहुत सारे काम हो गए, कौन कौन से काम हो गए, कि ये सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, ये वाटर को पकड़ के रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और ये रूट को एयर सप्लाई करती है और मैट्रिक्स के तरीके एक्ट करती है जिसमें प्लांट अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। ठीक है, सिंस डिफिशेंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, है ना, एसेंशियल मिनरल की अगर डिफिशेंसी हो जाएगी तो क्या क्रॉप की यील्ड जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पैदावार जो होगी अफेक्ट हो जाएगी। आगे क्या है, देयर इज ऑफ्टन ए नीड टू सप्लाई देम थ्रू फर्टिलाइजर, फिर हमको क्या होता है उसमें, इस वजह से हमको उसमें एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई करना पड़ता है थ्रू एज फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर के रूप में इनकी सप्लाई करना पड़ता है, मतलब प्लांट को देना पड़ता है, बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आ गए, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होंगे, कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, ये क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यफी हो गया, यमिन हो गया, ये क्या हुए, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, है ना, ये प्लांट को बहुत माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों सप्लाई ये देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ये जो फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर का कंपोनेंट होते हैं, आर अप्लाइड पर नीड, और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, यानी प्लांट को देते हैं। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से प्लांट को देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।